असलम जी क्या हाल चाल से हैं सब लोग ये असाइनमेंट मेरे एक दोस्त ने मुझे सेंड किया है और फानांस की असाइनमेंट है ही रिक्वेस्टेड कि मैं इस असाइनमेंट को उनके लिए रिव्यू कर दूं तो असाइनमेंट रिव्यू करने के लिए जो उनकी रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि उन्होंने काम करके मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि मैं देखूँगा क्या उनका काम जो उसिल है कि वो इसमें अच्छे मार्क्स जो वो ले सकें सो so, असाइनमेंट की सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट देखनी है सो so, असाइनमेंट की पार्ट ए का मतलब है कि देर शुड बी अ पार्ट बी ओके सो पार्ट बी है पार्ट ए इज़ वर्थ फिफ्टी मार्क्स एंड पार्ट बी इज़र्थ फोर्टी फाइव मार्क्स तो इसका मतलब है पाँच नंबर किसी और जगह पे हैं पाँच नंबर इसके हैं प्रेजेंटेशन के सो इट हैज़ टू बी हैज़ टू बी वेरी प्रेजेंटेबल और इसमें रेफरेंसिंग स्टाइल जो है वो ए पी ए है

पार्ट ए का एक सिनेरियो दिया हुआ है डेका स्पोर्ट समथिंग और उसके बाद लेट्स लुक एट रिक्वायरमेंट यूज एन एक्सेल स्प्रेडशीट टू कैलकुलेट द फॉलोइंग क्राइटेरिया एंड देनर वेदर द न्यू मॉडल विल मैक्माइज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स सो आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज नेट प्रजेंट वैल्यू पे बैक पीरियड प्रॉफिटबिलिटी इंडेक्स इज इट अ वाइबल प्रोजेक्ट ओके सो ए रिक्वायरमेंट के अंदर चार पाँच चीज़ें हैं और सबके मार्क्स दिए हुए हैं B. Although the company is optimistic about the new model, the board wants to know at what level launching the new model become risky. Okay. Use an Excel spreadsheet once again and recalculate after tax. So we have got four more requirements. And then we have got another C requirements. So let's look at the report. Okay. So, capital budgeting techniques and ANZ banking group. Okay. So, part A, dihawai, which is very good. Nazar ki part A. Hai. ओके आई कैन नॉट सी टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट्स ओवर हेयर सो पहली प्रॉब्लम जो यहाँ पे इसके अंदर है देर इज़ नो टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट्स सो टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट्स जो है वो यहाँ पे नहीं है सो so मैं उसको लिए लिख देता हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स ओके पार्ट ए प्रोजेक्ट वाई वेबिलिटी ओके अच्छा ये ना मुझे एफरेंटली ये लग रहा है कि रिक्वायरमेंट नंबर वन आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज रिक्वायरमेंट नंबर टू थ्री फोर जब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये असाइनमेंट मैट्रिक लेवल की है सेवन एट्थ लेवल की है या ये मास्टर लेवल्स की है असाइनमेंट अभी यहाँ से आइडिया हो जाएगा सो स्टूडेंट एस सी एस यू सो इट्स एन अस्ट्रेलियन असाइनमेंट और इसमें किसी जगह लिखा हुआ है कि आपने रिपोर्ट लिखनी है एकेडमिक राइटिंग इफेक्टिवली एंड अफेक्टिवलीप्रियटली प्रेजेंट यू मटीरियल क्लियरली कन्वे कैन रिजल्ट ऑल अंडरस्टैंडल्ट ओके सो डू वी रियली थिंक कि ऐसे हम लिखें कि रिक्वायरमेंट ए इज़ आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज रिक्वायरमेंट बी जो है वो इस नेट प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायरमेंट थ्री जो है वो पे बैक पीरियड रिक्वायरमेंट फोर से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इफ आई वुड बी एट द स्टूडेंट्स प्लेस आई वुड बी डिफाइनिंग दीज कॉन्टेंट स्टेट दे आर आस्किंग ओवर सो आई वुड से डिफाइन एंड एक्सप्लेन इन फ्यू सेंटेंसेस सो ये यहाँ पर भी मैं इनसे कहूँगा कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन फ्यू सेंटेंसिसन आई वु रिक्वेस्ट नेट प्रजेंट वैल्यू क्या होती है ये डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू की ये जो फिगर आई है ठीक है वैल्यू सो so, मैं इनसे कहूँगा कि इसको एक्सप्ल करें ठीक है और सेम आई वुड आस्क फॉर पे बैक पीरियड और सेम आई वुड आस्क फॉर आवर नेट प्रेजेंट वैल्यू आवर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सब के लिए मैं ये कह रहा और जो सबसे चीज़ जो हम मुझे बेहतर नहीं लग रही इसके अंदर वो है ये वर्ड रिक्वायरमेंट यूज़ करना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनकी जगह पे हूँ तो मैं यहाँ से इसको रिपोर्ट को वापस लेके आऊँ ओह मेरे मेरे दोस्त ने जो है वो इसमें एंटर एंटर जो है वो प्रेस करके अगले पेज पे लेके गए हुए हैं द करेक्ट फॉर्मेट इज़ कि आप इसको जो है यहाँ से आप इंसर्ट पेज ब्रेक यहाँ हो पे होगी किसी जगह पे दी हुई पेज नंबर्स डेट एंड टाइम ब्रेक सो so, यहाँ से आप पेज ब्रेक दे के अगले पेज पे जा सकते हैं सो so, आपको इतने ज़्यादा एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है सो so, मैं वापस लेके कर आऊँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखूँ कि जी दिस इज़ लट से दिस दिस इज़ दी The first section of the report and blah blah blah. The first section of the report. Or and I keep on explaining KG is part one make for example, except write this is the first section of the report and present an analysis of after tax cash flows, then net present value, payback period, profitability index as well as project viability for the project whatever the name of the project was so yahan se mujhe jo hai wo and so on Ye, the, this, pro, this report this deals with deck support so on and so and then it, it would consider the analysis the use of uh, or you, you may say that this report will involve evaluation of after tax cash flows net present value payback -pay, profitability index. so as to evaluate the viability of project in order to maximize wealth of shareholders so this is something that you have to use yahan pe hame requirements is very good thing ki है humne requirements use ki hai but us kya hi behtar hai ki hum yahan par in cheezon ko summarize kar dein aur ye sari cheezein utha ke jo wo appendix mein le jaye हम ये सारी चीज़ें उठा के appendix में लेके ले जा सकते हैं यहाँ पर भी लिखे रहने दें तो there is no harm in that uh, apparently writer has done a very good job by डूंग ऑल दिस कैलकुलेशन बट जो चीज़ मिसिंग है वो यहाँ पर अगर हमें किसी जगह पर लगे कि हमारा वर्ड काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वी कैन ऑलवेज़ इंसर्ट अब पिक्चरों है अब मैं राइटर की जगह पर हूँ तो आई वुड चूज़ वेरी लाइट कलर फॉर दिस फॉरन करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ से आई थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो कि टेबल की जो है वो अलाइनमेंट के इशू आ रहा है अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर सो so मैं सिर्फ इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इसको हाईलाइट कर सकता हूँ मैं यहाँ से से ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और उसके बाद सॉरी और उसके बाद इस कॉलम को मैंने हाईलाइट लाइट कर दिए देट इज़ इट ठीक है अब ये जो है वो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं सो आई एम श्योर अगले कॉलम्स अगले टेबल्स भी ऐसे ही जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे सो so, जब हम पार्ट ए कंक्लूड कर रहे हैं पार्ट ए कंक्लूड कर रहे हैं आई एम श्योर ये मेरे दोस्त को ये समझ आ जाएगी कि हमें बाकी सारी चीज़ों के लिए भी इसी तरीके से लिखना है अब वी कैन ऑलवेज यूज़ अ कॉन्टीन्यूएशन नंबर सो अगर ये पार्ट वन चल रहा है तो इट कुड बी वन पॉइंट वन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड सोन ठीक है जी यहाँ पे भी हम ये इसको लिख सकते हैं और फिर उसके बाद ये जो चीज़ें हैं इनको आप वन पॉइंट वन पॉइंट वन पे जो है वो लेके जा सकते हैं ठीक है सो ये अल्टीमेटली हमें इसको हेडिंग टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको हमें हेडिंग थ्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम इसको प्यारी वाली हेडिंग बना लेते हैं उसके लिए हम इसका कलर थोड़ा तो एडजस्ट करते हैं फ़ॉन्ट साइज इसका एडजस्ट करते हैं फोन स्टाइल साइज़ एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर राइट right क्लिक करके हम इसको कह देते हैं अपडेट सिलेक्शन और इसी तरीके से इसको भी हम थोड़ा सा प्यारा जो है वो कर लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन हो गया कलर भी कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको अपडेट कर दिया अब सारी बाकी चीज़ें हम इसी तरीके से जो है वो करते जाएंगे रिक्वायरमेंट टू है सो इट कुड बी वन पॉइंट वन पॉइंट टू सो सो इट कुड भी अवेल्यूशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू और इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को जब फॉलो करेंगे अच्छा ये, ये थोड़ा सा इसमें कंसिस्टेंट हम लोग कर लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर तमाम जो है वो सेंटेंस के इसमें लिखने के बजाय टाइटल के इसमें लिखने एम श्योर sure मेरे मेरे जो राइटर हैं वो उसको आ, जो है अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे लेट्स लुक डाउन टू पार्ट बी ओ पार्ट बी वेरी गुड सो वी हैव गॉट एन एग्जेक्टिव समरी वेरी गुड वी हैव गॉट एन इंट्रोडक्शन वेरी गुड वी हैव गोट एन ए एन जी कैपिटल एंड स्ट्रक्चरिंग फाइनेंशियल पोजिशन वेरी गुड ये क्या है ये नहीं समझ वंस अगेन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट गिवन बिलो क्या किसी रिपोर्ट में इस तरीके से हम जो है वो एड्रेस कर रहे होते हैं हम जब किसी मास्टर्स लेवल के ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को या इवन बैचुलर लेवल के स्टूडेंट को हम ये कहते हैं कि तुम एक रिपोर्ट लिखो तो रिपोर्ट एक सीनियर मैनेजमेंट को हम प्रजेंट कर रहे होते हैं सो इन ऑफ राइटिंग कैलकुलेट आइटम्स गिवन बिलो एपरेंटली ये लग रहा है कि ये किसी आ, बस ए सी सी ए या सी ए के किसी स्टूडेंट ने जो है ना वो एग्ज़ामिनर को एग्जैक्ट उसके लिए क्वेश्चन so, जो है वो कॉपी किया यहाँ पर हम लोगों के पाँच नंबर हैं इस चीज़ के सो यहाँ पर हमें प्रॉपर जो है वो लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ये पता नहीं क्यों सेंट्रली अलाइन है ये ये सेंटेंस इसको लेफ्ट अन होना चाहिए तो जो मैंने अभी आप क्लियर कर दिया है सो वंस अगेन ये रिक्वायरमेंट वन है

Okay, capital structure, weighted average cost of capital, cap m, and firms' capital structure. So, I can write this is there is a detailed discussion with Banking Limited under this head. Oh, no, take it. so we can write this part of the report deals with evaluation of debt. या अगर ये डेट एंड इक्विटी का अदरवाइज मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अदर अदर थिंग्स दैट वर गिवन इन दिस पार्ट सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर और वी कैन आल्सो से कि यहाँ पर हम जो है वो कैपम कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल एसेट और जितनी भी आगे चीज़ें हमने दी हुई हैं वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर so, सो ये चलेगा और इसके बाद यहाँ पे टू पॉइंट वन आ जाएगा ठीक है जी और जो भी उसकी हेडिंग बनेगी और फिर यहाँ पे individual जो आइटम्स हैं वो थर्ड हेडिंग बन के हमारे सामने चलेंगी फॉर एनजी और फिर यहाँ पे भी जैसे मैंने ऊपर आपको explain किया कि यहाँ पर हमें अल्टीमेटली वंस अगेन दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग यहाँ पर भी हमें एक्सप्लेन करना है जो, जो बातें मैं यहाँ पर क्या क्या आया हूँ ठीक है जी वो सारी यहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन करनी है ये देखें फॉर रिक्वायरमेंट डी इज क्वाइट रेडिकुलस ये नहीं हमने करना यहाँ पर हमने एक्सप्लेन uh, करना है वट इन फ्यूटेंस वट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसके बाद यहाँ पे जाके जो भी इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू आई होगी हमने उसको जो है वो ब्रीफली इंटरप्रेट और ये सारे सेक्शंस पे जो है ये चीज़ अप्लाई होती है सो so, ये याद रखिएगा कि जब हम रिपोर्ट लिख रहे होती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेशन रिपोर्ट से के अंदर नहीं होती रिपोर्ट के बाहर होती हैं ठीक है वो पेंडिक्स में दी होती हैं और रिपोर्ट आप जो है वो समरी फॉर्म में जो है वो आप लोगों को है वो दे देते हैं रिपोर्ट में अब चीज़ों को डिस्कस करते हैं डिटेल कैलकुलेशन रिपोर्ट्स के अंदर ना दें पांच नंबर हैं इस चीज़ के दैट कुड इधर फेल यू और दैट कुड इधर पास यू अच्छा ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है सोर्स वॉल स्ट्रीट जर्नल वॉल स्ट्रीट जर्नल है तो इसका कोई ना कोई जो है वो प्रॉपियड फॉर्मेट होगा वी शुड गिव दट्स से ईयर इसके साथ लिखा जाना चाहिए हम देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं लिखा गया और अगर ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया तो क्या इसका प्रॉपर रेफरेंस एंड पे अवेलेबल है सो वैलिस वॉल स्ट्रीट मोजो ओके यहाँ पे भी नहीं है ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ओके सो अगर ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से लिया गया है तो इसका करेक्ट रेफरेंस वस एम एस टू थाउजेंड सेवेंटीन आई डोंट नो एम एस क्या चीज़ है बट दिस इज द करेक्ट रेफरेंस ठीक है जो हमें जो है वो उसके लिए लिखा जाना चाहिए मैं देख लेता हूँ और भी कुछ तो नहीं दिया हुआ कोर्स तो मार्क्स पेंसर मार्केट स्क्रीनर ये भी ठीक नहीं ये भी ठीक नहीं ये भी ठीक नहीं है सो करेक्ट रेफरेंसिंग की जो है वो ज़रूरत है ठीक है अगर ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से लिया गया है तो यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्मेट आना चाहिए था वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का आना चाहिए था राइटर को मैं एडवाइस करता हूँ कि वो देखे कि इसको करेक्टली कैसे हमने जो है वो फॉर्मेट करना है जो भी उसकी डेट थी रिट्रीव क्या था डेट क्या थी आई थिंक ए पी स्टाइल चल रहा है तो ए पी स्टाइल को हम लोग यहाँ पे हमेशा देख सकते हैं हाउ हाउ टू रेफर वेब पेज यूजिंग ए पी अब मैंने अपना इंटरनेट बंद किया हुआ है मैंने आप जल्दी से इंटरनेट ऑन किया हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि हमने एपीए स्टाइल को यूज करते हुए हमने जो है वो किसी भी वेब पेज को कैसे जो है वो रेफरेंस उसका जो देना है सो लेट्स क्विकली लुक इनटू दैट ओके सो ये हम देख लेते हैं इजी टू साइट अ वेबसाइट इन एपीए ओके दिस इज द फॉर्मेट गोफार्मर 1:00 आई एम सॉरी दिस इज 1:00 आवर केक बजा ये देखें जो ऑथर है उसका आर्टिकल का ईयर डेट जिसको हमने जो है उसको किया ठीक है उस आर्टिकल का टाइटल ठीक है जिस जगह से हमने किया रिट्रीव फ्राम और उसका रेफरेंस आ गया सो दैट वॉज नॉट द करेक्ट रेफरेंस अनफॉर्चुनेटली सो ये मेरे दोस्त को इस चीज़ को भी जो है वो अल्टीमेटली उसको देखना पड़ेगा सो so, और मैं एक चीज़ देख लेता हूँ नंबर ऑफ रेफरेंसिंग रेफरेंसेज कितने हैं सो वी हैव गॉट है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आई डोंट थिंक के दस रेफरेंसेज जो हैं वो आर सफिशेंट और फिर टीचर ने यहाँ पे शायद कहा भी हुआ है कि आपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस देने हैं ठीक है ओ प्लीज़ रेफर टू द सी एस यू रेफरेंसिंग साइट और इसका मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी आस्ट्रेलिया यु, में ये पर्टिकुलर इशू है कि ऑस्ट्रेलिया वाले अपना रेफरेंसिंग स्टाइल जो है वो सजेस्ट कर रहे होते हैं सो so, यहाँ से हमें जो है वो इसको ज़रूर देखना चाहिए इस रेफरेंसिंग स्टाइल को ए ए का जो कोई वेरियंट सी एस यू का उसको हमें यहाँ से पिक करना चाहिए

जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो है कि अल्टीमेटली ने कितने अच्छे तरीके से जो है वो रिपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया श्योर uh, so, so sure के जो कंटेंट मैं आज, आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसका आपको किसी ना किसी तरीके से जो है वो फ़ायदा होगा अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे अल्लाह ताला आपका अमीना सर हो असल